हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आनंद नगर तक आ चुके हैं। ये वही लास्ट राइड जो हम लोग यहाँ पे गए थे, वही लास्ट राइड है ये। और अब हम लोग एक नई जगह जाने वाले हैं और रूट बिल्कुल ये वही सेम है जो हम लोग लास्ट रूट में जब महादेव पानी की ओर जा रहे थे, बिल्कुल सेम रूट है। बस उस रूट से थोड़ा सा और छोटा है। लास्ट टाइम हम लोग शायद एक घंटे में ही महादेव पानी पहुँच गए थे, यहाँ पे तो लगभग शायद 40 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुँच जाएंगे। और बहुत ही प्यारी जगह है, आप ज़रूर जाना। मिलते हैं अब वही, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फाइनली हम लोगों ने LSD भी क्रॉस कर दिया है, करीब आधा घंटा भी नहीं हुआ है और हम लोग अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं। थोड़े बहुत बदले करते भी आ रहे हैं रास्ते में, तो करीबन हमें मान के चलिए 17 से 18 की हमारी स्पीड से हम लोग जा रहे हैं और लगभग लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेंगे और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। और हम मिलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो फाइनली हम लोग पास आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के। आप देख सकते हैं सामने मंदिर है और आपको बस इसी रास्ते से, जैसे आप भैया खड़े हैं, इसी रास्ते से आपको अंदर जाना है अपने डेस्टिनेशन की ओर। और सबसे प्यारी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलेगा इस चेक पॉइंट के लिए वो है, आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं ये सामने वाला जिंदा बचा होगा कि नहीं। ये ट्रक आप देख सकते हैं बहुत ही प्यार से अंदर की ओर घुसा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं मैं अंदर जाऊंगा, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रक की हालत ख़राब है और अंदर सांप भी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा डरने वाली बात है सांप से, क्योंकि बहुत डर लगता है। पता नहीं अगर कोई मरा होगा तो हो सकता है उसके आत्मा इसके अंदर। वो एक नहीं दो ट्रक हैं, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो अंदर भी आपको एक ट्रक का ये हल्का सा दिख जाएगा। तो यहाँ पे दो ट्रक और जिनके अंदर बहुत ही प्यार से पेड़ लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं और दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। हे गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अब गली के अंदर, जहाँ एक आंटी ने बताया है कि ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं इसका नाम है रामगढ़। ऊपर जाके कंफर्म भी करेंगे कि और मंदिर किसका है। चलिए सच में ये बहुत ही औसम जगह है सुबह सुबह साइकिलिंग के लिए आने के लिए। आप इस जगह पे जरूर आए सच में। आप टेंपल रन खेलते थे, हाँ उसमें पेड़ आया करता। इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, मतलब यहाँ पे भी लोग इतना अंदर भी रहते हैं। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग राम गुफा मंदिर आ चुके हैं और आप नज़ारा, हम आपको नज़ारा पूरा दिखाएंगे अभी। और ये सच में बहुत शांत वाली जगह है, यहाँ पे आप नेचर की आवाज़ आराम से आप सुन सकते हैं। सामने वाली पहाड़ी से भी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है मोर की, और पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं इतना प्यारा जंगल है।
और इस जगह की सबसे खास बात आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं। प्यारा है तो हम 400 लोग आना चाहिए, तो मजे की बात है। जा रहे हैं उस घर की ओर जो पता नहीं कितने साल पहले बना होगा, आज तक वो खंडर ही है पर पता नहीं किसने बनाया ये घर। हाँ, कंडीशन इसकी ज्यादा खराब नहीं हुई, देख सकते हैं आप। और ये बीच में पता नहीं क्या पत्ता लटक रहा है, तो आपको पता नहीं, हाँ शायद दिखा होगा, तब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मकड़ी सकड़ी ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं। भैया वीडियो बनाओ ना, किसकी वीडियो बनाए, कौन ऊपर चढ़ते हुए प्ले। मैं मैन वर्सेस वाइल्ड का बेयर गिल्स तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। क्या पता अगर सांप आ गया तो मेरी तो पुंगी बच जाएगी ना, मतलब ये सच्ची बात है, है कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा संभल संभल के भी पैर रखना पड़ रहा है। ये पता नहीं क्या होगा सामने, यहाँ पर भी कुछ तो है पर यहाँ से वहां नहीं जाया जा सकता। आप देख सकते हैं कुछ तो होगा यहाँ पे, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे मंदिर है तो लोग यहाँ पे रहते होंगे, पर मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई रहता होगा क्योंकि ये घर कभी यूज में शायद ही आया हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे पानी भरने की वजह से यहाँ के लोगों ने जगह खाली कर दी हो, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी जगह है, आप हालत देख के समझ सकते हैं। फॉरेस्ट का भी कुछ ऐसा चौकी हो सकती है, ये इस पे कुछ लिखा तो हुआ है, देखते हैं अपन हटा के। डबल भवर, ये तो ये जो इन्हें लगाए होंगे, क्या कहते हैं इन्हें, खपरेल, तो ये खपरेल है डबल भवर की। अब हम जाने वाले हैं ऊपर मंदिर, और आप देख सकते हैं फिर से महादेव पानी की तरह हमें यहाँ पर भी इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा अपनी साइकिल को लेके, हालत खराब हो जाएगी फिर से।
फाइनली हम लोग ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और हमें गुरुजी ने डांट दिया, उनने मना करा कि यहाँ पे साइकिल आप ऊपर ना लाया करें क्योंकि सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं, आप गिर भी सकते हैं। तो मैं धीरे से बोल रहा हूँ ताकि वो सुन ले और हमें चिल्लाए ना, सुनना ले। तो आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, और पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर लेकर आए और साइकिल भूल के भी ऊपर कभी ना लाएँ, आपको डांट पड़ सकती है, हमें पड़ गई क्योंकि। फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम थोड़ी अच्छे से वीडियो तो नहीं बना पाए यहाँ की क्योंकि यहाँ पे वीडियो शूटिंग करना बिल्कुल भी मना है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पे शूटिंग बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपको गुरुजी सच में बहुत चिल्लाने वाले हैं अगर आप ऐसा करने वाले हैं। तो साइकिल लेके भी आप बिल्कुल भी ऊपर ना आए। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें साइकिल नीचे उतारने से बिल्कुल भी मना कर दिया है, उन्होंने चिल्ला दिया हमें कि आप साइकिल नीचे नहीं लेके जाओगे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फाइनली हम ये बस्ती के करीब आ चुके हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत निकलते निकलते और पैदल चलते चलते करीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्र है फंदा, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे के निकलने का रास्ता देखते हैं। ये पत्थर डालने पड़े। आखिरकार हम लोग बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये लिस्ट कॉलेज है और पूरी हालत ख़राब हो गई हमारे रास्ते में। भैया की तो पीठ भी छिल चुकी है, उनका खून आ गया पीठ से बाहर गिरने के बाद। तो अगर वो दादा हमें वहीं से उतर के नीचे जाने देते तो इतना लंबा नहीं पड़ता। हमें लगा था ये रूट सिर्फ हमें आज की राइड हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर की होगी, पर अब ये 60 के ऊपर पहुँच चुकी है हमारी राइड। बहुत ही लंबा सफ़र था अंदर से जमुनिया होते हुए, अब हम खजूरी जा रहे हैं, फिर खजूरी से जाएंगे हम लोग बाहर। तो हे गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं प्रिया चौराहा, खजूरी गला के पास में है। राइड हमारे यहाँ लगभग कंप्लीट होती है और भैया हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे हमारे गुरुजी ने हमें खूब सुनाया, खड़ी खोटी सुनाई साइकिल के लिए। उसके परिणाम के हल्के तौर पर ये लगा कि हम गिर गए, चोट वगैरह लग गई है। तो कृपया अगर आप पानी में संभल के चलाइए। 40 किलोमीटर की राइड हमारी 70 किलोमीटर में बदल गई। गुरुजी ने एक घंटा में पैदल चलवाया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एडवेंचर। तब तक के लिए बाय बाय।